हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आप सब जानते हैं कि मुझे डेली बेसिस पर फेस पर मेकअप इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेशली कभी कभार तो मुझे हेवी आई लुक भी करना पड़ता है, जैसे कि ग्लिटर आई शेडोज इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर स्मोकी आई लुक्स करना पड़ता है। तो उस आई लुक्स को रिमूव करने में आईज पर काफ़ी ज़्यादा घिसना होता है, रगड़ना पड़ता है, तो इससे ना आईज पर चोट पहुंचता है। जैसे कि हमारा जो अंडर आई एरिया है ना, वो उसका स्किन बहुत ही पतला होता है, तो इस जब हम लोग मेकअप को रिमूव करने के लिए घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आ सकती है। अगर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स है ना, तो वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जैसे मुझे अभी एग्जाम्स है मेरे सामने, तो एग्जाम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। और अगर मैं मेकअप इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं जब मेकअप को रिमूव करती हूँ ना, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखती है। तो मैंने अपने स्किन केयर में, नाइट टाइम स्किन केयर में स्पेशली इंक्लूड किया है अंडर आई जेल को। अंडर आई क्रीम्स भी मिलते हैं, जेल्स भी मिलते हैं, तो आप जहाँ जिससे कंफर्टेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अंडर आई क्रीम या अंडर आई जेल ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप मेकअप इस्तेमाल नहीं भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फिर भी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। कुछ भी अगर आप कोई क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली जेल्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जेल्स बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड मैं करेंटली इस्तेमाल कर रही हूँ समीशा ऑर्गेनिक अंडर आई जेल। ये 30 ग्राम्स का है, जिसका सेलिंग प्राइस है 499 रुपीज। लेकिन अगर मार्केट में हम लोग देखें तो कई सारे और प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है, येट आपको इतना अमाउंट भी नहीं मिलता, इससे काफ़ी कम अमाउंट मिलता है। तो मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल लगता है। एंड ये जेल फॉर्म में है, तो ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में, अंडर आई एरिया पर। एंड जो बेस्ट पार्ट है ना, मैंने कई सारे और अंडर आई क्रीम्स भी इस्तेमाल किए हैं वेल नोन ब्रांड्स के, लेकिन उनमें मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मेरी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब हम लोग अंडर आई एरिया पर अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा आईज के कांटेक्ट में आ सकता है वो प्रोडक्ट। तो जब वो कांटेक्ट में आता है ना, तब मुझे आईज में इतनी ज़्यादा जलन, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई हैव डिसकंटिन्यूड यूजिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे अंडर आई क्रीम्स, जेल्स, जो वेल नोन ब्रांड्स के हैं वो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि आईज पर काफ़ी इरिटेशन होती है उसे इस्तेमाल करने से। बट इसे इस्तेमाल करने से अगर आईज के कांटेक्ट में आ भी जाता है, तो भी मुझे कोई इरिटेशन या इचीनेस नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे ये इस्तेमाल करना पसंद है। ऑल्सो इसमें कोई पैराबन, सिलिकॉन, सल्फेट नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो अ बोनस पॉइंट। एंड ये स्पेसिफिकली बना है डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए। तो अगर आपके मेजर डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बट ऑल द अंडर आई जेल्स एंड क्रीम्स आर हाइड्रेटिंग, तो डेफिनेटली ये फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपके अंडर आई एरिया पर। तो जितनी ज़्यादा ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, उतना ही ज़्यादा फाइन लाइन्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम्स कम होगी। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर दैट। और स्पेसिफिकली इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कि डार्क सर्कल्स को प्रिवेंट करता है, उन्हें रिड्यूस करता है। जैसे इसके अंदर एलो है, क्यूक्यूम्बर है, टोमेटो, पोटैटो, ये सब है। तो हम लोग DIYs जब घर पे करते हैं ना, अपने घरेलू नुस्खे, उसमें भी हम टोमेटो, पोटैटो, ये सब इस्तेमाल करते हैं अंडर आई एरिया को ब्राइटन करने के लिए, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए, हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में। तो लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो प्रोसेस काफ़ी मेसी हो जाता है एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर रोज़ आप उन प्रोसेसेस को, उन DIYs को नहीं कर सकते। जैसे आलू, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आलू, टमाटर, ये सब आप कहाँ से लाओगे? ऊपर से उन्हें कट करो, फिर उन्हें अप्लाई करो, डेली बेसिस पर तो आप नहीं कर सकते। आप वीकली कर सकते हैं डेफिनेटली, मैं भी करती थी पहले, वीकली होता था, लेकिन डेली बेसिस पर इम्पॉसिबल। तो आप इस क्रीम को, इस तरह के जेल्स एंड क्रीम्स जो कि मार्केट से आप खरीद सकते हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कि इसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, ये सब नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो ये काफ़ी जल्दी काफ़ी यू नो नेचुरल तरीके से ट्रीट करेगा आपके अंडर आई इश्यूज को।
सो दैट्स वेरी गुड अबाउट दिस प्रोडक्ट. तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. अगर आपके मेजर अंडर आई इश्यूज है, जैसे कि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, या फिर फाइन लाइन्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने लेट 20s या लेट 30s में है, तो आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में. लेकिन मुझे कोई मेजर अंडर आई इशू नहीं है, तो मैं इसे सिर्फ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करती हूँ अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में. मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज जेल बेस्ड और सिर्फ आपको अपने अंडर आई एरिया पर ही अप्लाई करना है, होल फेस पर इसे नहीं अप्लाई करना है. तो बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, तो ये इजिली आपको 2-3 महीना तो चल ही जाएगा, उससे ज्यादा भी चल सकता है, क्योंकि मैं इसे पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड आप लोग देख सकते हैं ये मतलब ना के बराबर खत्म हुआ है, ऐसा देखकर पता भी नहीं चल रहा कि ये खत्म हुआ भी है कि नहीं. सो काफी कम क्वांटिटी में ये चाहिए, एंड इट इज FDA अप्रूव्ड, एंड इट इज टोटली वीगन, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है. सो दैट्स रियली गुड. सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड बाय.